बहू, ओ बहू, उठ जा कुंभकर्ण, तो सूरज भी निकल आया और तू अभी तक सो रही है। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो? अरे ये कैसी आवारा और बदतमीज बहू मिली है, जब देखो तब मुझसे जबान लड़ाती रहती है। क्या तेरे माँ बाप ने यही सब सिखाया है तुझे? आने दे मेरे बेटे को, आज तो तेरी खैर नहीं। लगता है आज बुढ़िया पूरी तरह से मुझसे रूस गई है। आज तो मेरी मार पिटवा के ही रहेगी। मैं इनके आने से पहले ही इन्हें मना लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी सासू माँ जी, मेरी भोली माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है बहू, अब जाओ और मेरे लिए ऐसी चाय बनाकर लाओ कि जिसे पीते ही तन बदन झूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं। लगता है बहू, तुम्हारे माँ बाप ने बस हर वक्त झगड़ना ही सिखाया है। वो देखो मेरा बेटा भी आ गया है। क्या हुआ माँ, आप दोनों क्यों आपस में झगड़ रही हो? अच्छा हुआ बेटा, तू बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। देख तो आज ये बदतमीज लड़की मुझसे कह रही थी कि निकल जा बुढ़िया मेरे घर से। अब इस घर से तेरा कोई वास्ता नहीं, और तो और बेलन लेकर मेरे पीछे पड़ी थी मुझे मारने के लिए। वो तो भला हो पड़ोस की आंटी का, जो उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। क्यों गोरी, तूने माँ को घर से निकल जाने को कहा और बेलन लेकर इन्हें मारने के लिए इनके पीछे दौड़ी, आज तो तुझे बांधकर बेल्ट से मारूंगा। नहीं जी, आज सुबह मेरे उठने में थोड़ी सी देर हो गई, तो माँ जी बड़बड़ा रही थी, तो मैंने बोल दिया कि माँ जी चिल्लाइए मत। बच्चों की कसम मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। माँ जी हमें लड़वाना चाहती हैं। क्यों माँ, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन बहू मुझसे बदतमीजी करती है, तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी मार पिटवा दूंगी तो फिर बदतमीजी नहीं करेगी। मुझे माफ कर दे बेटा, और हर सास बहू के बीच में झगड़ा होता रहता है, और बहू को सास की बात माननी चाहिए, और सास भी माँ के रूप में होती है, तो उसे भी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।